नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप परमार और आप देख रहे हैं डीजे शक्ति। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है लाइव साउंड सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि स्टेज मॉनिटर का सेटअप कंप्लीट करने वाले हैं। तो कौन सी कंपनी के स्पीकर हो गए, कौन सी कंपनी का एम्पलीफायर होगा, मिक्सर कौन सी कंपनी का होगा, माइक्रोफोन कौन सी कंपनी के हो गए, सारी जानकारी आपको यह वीडियो में मिलने वाली है। और पूरे सेटअप की प्राइस क्या होगी यह भी जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन प्राइस में आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना है, मतलब ये सारी प्राइस जो है ऑनलाइन की प्राइस होती है, एप्रोक्स प्राइस होती है। तो ये प्राइस से सिर्फ आपको एक अंदाजा आ सकता है कि इतने में हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, फिर सभी मार्केट में प्राइस में ऊपर नीचे होता रहता है। और इसके अलावा ये जो सेटअप है वो आप मतलब जहां पर बड़ा स्टेज हो गया, ठीक है, एक अच्छा प्रोग्राम है और बड़ा स्टेज हो गया, जैसे भागवत कथा हो गया, फिर जो है भजन वगैरह हो गया, फिर जो है ऑर्केस्ट्रा हो गया, तो वहां पर आप जो है लगा सकते हो, ठीक है। तो ये 8 मॉनिटर का जो है सेटअप है। तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारी डीजे शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जो है 2 सीक्रेट बताने वाला हूं। पहला सीक्रेट यह है कि ये जो मॉनिटर है वो स्टेज पर कहां लगाना है, ठीक है, मॉनिटर जो है उसका सेटअप स्टेज पर कैसे करना है। तो ये जो सीक्रेट है वो मैं वीडियो में कहीं पर भी बता सकता हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए एकदम एंड तक देखते रहना। और दूसरा सीक्रेट यह है कि कौन सा माइक्रोफोन किसे देना है, मतलब सिंगर को कौन सा माइक्रोफोन देना है, इंस्ट्रूमेंट्स में कौन सा माइक्रोफोन देना है, तो ये सीक्रेट भी मैं जो है वीडियो में कहीं पर भी बता सकता हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एकदम एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट की। तो 15 इंच के जो ड्यूअल वाले कैबिनेट आते हैं JBL टाइप, ये आपको परचेस करने हैं। तो एक पेयर की एप्रोक्स प्राइस में बताऊं तो 14,000 में आपको पड़ जाएगी। तो हमें यहां पर चाहिए ऐसी 2 पेयर, तो 2 पेयर के हो जाते हैं 28,000। उसके बाद बात करें इसमें स्पीकर कौन सा डालना है, तो पी ऑडियो की तरफ से है 22/26V3। तो ये जो स्पीकर है वो काफी सारे लोग मॉनिटर में इस्तेमाल करते हैं और परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके वोट की, तो 1000 वोट AES पावर में आता है और 8 ओम्स का स्पीकर है। बात करें इसके प्राइस की, तो 9,500 में आपको एप्रोक्स मिल जाएगा। तो ये जो स्पीकर है वो आप डीलर के पास से ही लीजिएगा ताकि आपको ओरिजिनल मिले और ओरिजिनल के साथ आपको जो है प्राइस में भी थोड़ा कम मिल जाए, ठीक है। तो यहां पर हमें चाहिए ऐसे 8 स्पीकर, ठीक है, क्योंकि हमारा एक कैबिनेट हो गया उसमें जो है 2 स्पीकर लगेंगे, तो हमारे 4 कैबिनेट है, तो 4 में जो है 8 स्पीकर लगेंगे, तो 8 स्पीकर का यहां पर हो जाते हैं 76,000। उसके बाद बात करें HF कौन सी डालनी है, तो P ऑडियो की तरफ से है D750 2। तो ये जो HF का यूनिट है, फिर जो उसकी फ्लेयर हो गई, फिर जो उसकी नेटवर्क हो गई, तो ये तीनों मिलाकर एप्रोक्स जो है 7,000 में मिल जाएगा। तो अभी हमें यहां पर चाहिए ऐसे 4 4 पीस, मतलब 4 पीस जो है HF के हो गए, फिर 4 पीस उसके फ्लेयर के, फिर 4 पीस जो है नेटवर्क के, तो ये सब मिलाकर हमें जो है एप्रोक्स 28,000 में पड़ जाएगा। उसके बाद बात करें इसमें एम्पलीफायर कौन सा लगाना है, तो भैया स्टूडियो मास्टर की तरफ से है PA 4.5, 4,500 वाट का एम्पलीफायर है और मॉनिटर में जो है काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। तो ये एम्पलीफायर की एप्रोक्स प्राइस में बताऊं तो 56,500 में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें चाहिए यहां पर 2 एम्पलीफायर, तो 2 एम्पलीफायर के हो जाते हैं 1,13,000। तो अभी बात करते हैं कनेक्शन किस तरह से करना है। तो ये जो एम्पलीफायर है वो 4 ओम पर चैनल 1600 वाट निकालता है, ठीक है, और ये हमारा जो एक स्पीकर है, मतलब ये हमारा पूरा मॉनिटर हो गया, तो उसमें अंदर 2 स्पीकर लगे हैं, ठीक है। तो ये जो है 1000 वाट उसका AES पावर है, लेकिन उसका RMS पावर जो है वो 700 ही होता है, ठीक है। तो 700 और 700 1400 और 100 वाट की HF, मतलब पूरा हमारा एक मॉनिटर 1500 वाट का बन गया। तो आपको क्या करना है, एम्पलीफायर में एक चैनल में एक मॉनिटर, दूसरे चैनल में दूसरा मॉनिटर और दूसरे एम्पलीफायर में भी इसी तरह एक चैनल में एक मॉनिटर, दूसरे चैनल में दूसरा मॉनिटर। तो आपको जो है थोड़ा वॉल्यूम डाउन रख के बजाना पड़ेगा और क्वालिटी भी मिल जाएगी और सिटी की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी, तो ये जो है काफी अच्छी बात हो जाती है। तो अभी हमने 4 मॉनिटर का सेटअप कंप्लीट कर लिया है, बाकी बचे हमारे 4 मॉनिटर। तो वो जो 4 मॉनिटर है वो डायनाटेक की तरफ से है, डायनाटेक Dell 115 मॉडल। तो ये जो मॉनिटर है उसका मैंने एक मतलब डिटेल्स में वीडियो बनाया है, अगर वो वीडियो आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप वो वीडियो
देख सकते हो। तो ये जो मॉनिटर है वो 15 इंच का है, 8 ओम्स का है और 400 वोल्ट आरएमएस पावर में आता है। बात करें इसके प्राइस की तो ये अप्रोक्स आपको 20,000 में पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमें चाहिए ऐसे चार मॉनिटर, तो चार मॉनिटर के हो जाते हैं 80,000। उसके बाद बात करें इसमें एम्पलीफायर कौन सा लगाना है, तो भैया स्टूडियो मास्टर की तरफ से है PA2.0, 2000 वोल्ट का एम्पलीफायर है और मॉनिटर में जो है काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर देगा। तो ये एम्पलीफायर के अप्रोक्स प्राइस में बताऊं तो 33,500 में पड़ जाएगा। अभी बात करते हैं कनेक्शन किस तरह से करना है। तो ये जो एम्पलीफायर है वो 4 ओम्स पर चैनल 800 वोल्ट निकालता है और ये हमारा डायनाटेक का Dell 115 400 वोल्ट आरएमएस पावर का है। तो आपको क्या करना है, एक एम्पलीफायर है तो एक चैनल में दो मॉनिटर लगा देने है, दूसरी चैनल में दूसरे दो मॉनिटर लगा देने है। तो एकदम आसान कनेक्शन है ना, तो इसी बात पर एक एक लाइक कर दीजिए। तो अभी बात करते हैं मिक्सर की। तो हमने इतना बढ़िया मॉनिटर का सेटअप कंप्लीट किया तो भैया मिक्सर भी बढ़िया ही देना पड़ेगा। तो साउंड क्राफ्ट की तरफ से है सिग्नेचर 22 मॉडल, काफी जाना माना मिक्सर है और काफी सारे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और मिक्सर में तो नाम ही है साउंड क्राफ्ट का, तो जो है क्वालिटी में तो आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। और ये मिक्सर में जो है इनबिल्ट इको भी आपको मिल जाता है, तो एक्स्ट्रा इको लेने की भी जरूरत नहीं है। बात करें इसके प्राइस की तो 44,000 में आपको मिल जाएगा, फिर सभी मार्केट में प्राइस में ऊपर नीचे होता रहता है। उसके बाद बात करते हैं माइक्रोफोन की। तो फाइनली वो टाइम आ ही गया सीक्रेट वाला, लेकिन ठहरिए, ये एक ही सीक्रेट आया है, ठीक है, और भी इसके अलावा एक सीक्रेट बाकी है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो यहां पर जो है कौन सा माइक्रोफोन किसे देना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगर के माइक्रोफोन की, ठीक है। तो सिंगर के लिए मैंने यहां पर दो माइक्रोफोन को एड किया है, आप चाहे तो अपने हिसाब से फिर ज्यादा माइक्रोफोन भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने यहां पर दो माइक्रोफोन ऐड किए हैं। तो JTS की तरफ से है TK600 मॉडल। तो ये माइक्रोफोन जो है कम बजट में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। तो ये माइक्रोफोन जो है अप्रोक्स आपको 1700 में मिल जाएगा, तो दो माइक्रोफोन की प्राइस हो जाती है 3400 रुपए। तो अभी बात करते हैं चाटी वाले पार्ट में कौन सा माइक्रोफोन लगाना है। तो जैसे कि तबला की चाटी हो गई, फिर जो ढोल में एक साइड चाटी बजाते हैं, ठीक है, फिर ढोलक हो गया, तो वहां पर हमें कौन सा माइक्रोफोन लगाना है। तो भैया आहूजा की तरफ से है AUD77DX मॉडल। तो ये माइक्रोफोन मैंने यहां पर दो पीस एड किए हैं, एक माइक्रोफोन की प्राइस है 1250, दो माइक्रोफोन के हो जाते हैं 2500 रुपए। फिर आप अपने हिसाब से जो है ज्यादा माइक्रोफोन भी एड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक ढोलक है तो एक ही माइक्रोफोन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर दो माइक्रोफोन को एड किए हैं, ठीक है। मतलब कई बार प्रोग्राम में जो है दो तबला वाले हो गए, फिर दो ढोल वाले हो गए, तो वहां पर आपको दो माइक्रोफोन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं ढोल, यानी कि जो बेस वाला पार्ट होता है ढोल का, ठीक है, फिर जो है तबला में बेस वाला पार्ट होता है, फिर ड्रम में बेस वाला पार्ट होता है, तो उसमें कौन सा माइक्रोफोन लगाना है। तो भैया आहूजा की तरफ से है AUD100XLR, ठीक है। तो ये माइक्रोफोन जो है बेस वाले पार्ट में काफी बढ़िया चल जाएगा। तो ऐसे मैंने यहां पर चार माइक्रोफोन ऐड किए हैं। अभी पूछो क्यों, तो मान लीजिए यार तबला हो गया तो उसमें बेस वाला पार्ट हो गया तो एक माइक्रोफोन उसमें देना पड़ेगा, फिर ढोल हो गया तो उसमें बेस वाला पार्ट हो गया तो एक माइक्रोफोन वहां देना पड़ेगा, अभी ड्रम हो गया उसमें बेस वाला पार्ट हो गया तो एक माइक्रोफोन वहां देना पड़ेगा, तो ऐसे तीन चार माइक्रोफोन तो चाहिए ही। तो मैंने यहां पर चार माइक्रोफोन को ऐड किया है, तो एक माइक्रोफोन की अप्रोक्स प्राइस में बताऊं तो 1400 रुपये है, तो यहां पर चार माइक्रोफोन के हो जाएंगे 5600। तो अभी बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट, बाकी मतलब बचे हुए इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मतलब ड्रम में जो है स्नेर हो गई, फिर उसमें जो है जो फोर पीस होते हैं, ठीक है, उसमें कौन से माइक्रोफोन लगाने हैं। तो मैं यहां पर आपको जो है सजेस्ट करूंगा JTST के 280। तो ये माइक्रोफोन आप जो है कहीं पर भी दे सकते हो, मतलब जो है स्नेर हो गई ड्रम में, ठीक है, फिर उसमें जो फोर पीस होते हैं उसमें लगा सकते हो, फिर जो है बेंजो हो गया तो वहां पर आप ऐसे माइक्रोफोन दे सकते हो। तो मैंने यहां पर ऐसे चार माइक्रोफोन को ऐड किया है, तो एक माइक्रोफोन की अप्रोक्स प्राइस में बताऊं तो 1500 रुपए है, तो चार माइक्रोफोन के हो जाएगा 6000 रुपए। तो अभी मैंने ये सीक्रेट आपको बता दिया, इसी बात पर एक एक लाइक कर दीजिए। तो अभी बात करते हैं माइक्रोफोन के स्टैंड की। तो मैंने यहाँ पर जो है 12 माइक्रोफोन के स्टैंड को ऐड किया है, मतलब अगर बड़ा प्रोग्राम हो गया ऑर्केस्ट्रा वगैरह तो वहां पर जो है हमें ज्यादा स्टैंड की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर जो है 6 पीस बड़े वाले स्टैंड को ऐड किया है, तो एक पीस की अप्रोक्स प्राइस बताऊं तो 1200 में आपको मिल जाएगा। फिर जो है स्टैंड की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इससे जो है महंगा भी आएगा, इससे सस्ता भी मिल जाएगा। तो 6 स्टैंड के यहाँ पर हो जाते हैं 7200 रुपये।
उसके बाद बात करें छोटे वाले स्टैंड की, तो 6 पीस मैंने छोटे वाले स्टैंड ऐड किए हैं, तो एक पीस आपको अप्रोक्स 700 रुपए में पड़ जाएगा। फिर इससे जो है महंगा भी आता है और इसे सस्ता भी मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है 6 पीस के हो जाते हैं 4200 रुपये। उसके बाद भैया हमने इतना बढ़िया सेटअप बनाया, तो स्टेबिलाईजर तो इसमें लगाना ही चाहिए। तो स्टेबिलाईजर जो है मैंने यहाँ पर एक ऐड किया है 15 kVA का। तो अगर आप मीडियम ब्रांड में एक अच्छा स्टेबिलाईजर ढूंढते हो 15 kVA का, तो अप्रोक्स आपको जो है 21,000 में मिल जाएगा। उसके बाद बात करें वायर की, केबल की, मतलब जो माइक्रोफोन के केबल हो गए, फिर मिक्सर से एम्पलीफायर को कनेक्ट करने के लिए जो XLR हो गए, फिर एम्पलीफायर से स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए वायर हो गए, तो ये सारी अप्रोक्स प्राइस हम यहाँ पर 20,000 गिन लेते हैं। ठीक है, तो अभी टोटल प्राइस आप जो है पूरे सेटअप की प्राइस जो है डिस्प्ले पर देख सकते हो, ये अप्रोक्स प्राइस होती है। और ये प्राइस से सिर्फ आपको एक अंदाजा आ सकता है कि इतने में हमारा यह सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ 4,72,400 के आसपास ये पूरी प्राइस है। तो ये प्राइस जो है अप्रोक्स प्राइस होती है। तो अभी बात करते हैं सीक्रेट के बारे में। ठीक है, मतलब हमारे ये जो पूरे मॉनिटर है, सारे मॉनिटर वो स्टेज पर कहाँ लगाने हैं, तो मैं इसे जो है एक डेमो के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो मान लीजिए डिस्प्ले पर आप देख ही रहे होंगे, ये हमारा एक स्टेज है और स्टेज है और ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर जो है एक सिंगर खड़ा है, तो ये जो डायनेटिक के डेल 115 वाले 4 मॉनिटर है ना, वो बिल्कुल सिंगर के सामने की साइड से चारों मॉनिटर लगा देने हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एक बड़ा स्टेज है और वहां पर जो है जगह ज्यादा है, तो एक मॉनिटर यहां रखिए, बीच में थोड़ी जगह रखिए, फिर एक मॉनिटर रखिए, फिर जगह, फिर एक मॉनिटर। तो ये भी डेमो आप डिस्प्ले पर देख सकते हो। तो इसमें क्या होगा, अगर बड़ा स्टेज होगा तो सिंगर यहां से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, तो उसको आवाज मिलती रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर छोटा स्टेज है तो आपको क्या करना है, सिंगर जो है वहां पर ही खड़ा होगा, तो वहां पर जो है चारों मॉनिटर उसके सामने ही एक साथ रख देने हैं। तो अभी बच गए हमारे और 4 मॉनिटर जो साइड फील वाले, ठीक है, ड्यूअल वाले 15 इंच के, पीओडीओ के 22:26। तो ये कहां पर लगाने हैं, मान लीजिए ये यही स्टेज है हमारा और ये जो है ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है, यहाँ पर सिंगर खड़ा है, यहाँ पर ड्रम वाला होगा, ठीक है, पीछे की ओर, यहाँ पर कीबोर्ड हो गया, यहाँ पर ढोल वाला हो गया। तो स्टेज की जो पीछे की साइड है वहां पर एक साइड ये मॉनिटर और दूसरी साइड एक मॉनिटर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टेज की पीछे की साइड दोनों साइड में एक एक मॉनिटर आपको लगा देने है। तो ये जो है स्टैंड पर तो रहेगी नहीं, तो आपको जो है टेबल पर रखने है, मतलब जो टेंट वाला हो गया या फिर मंडप वाला, टेंट वाला, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, आप जो है समझ जाना, उसके पास जो टेबल होते है उसको बोलना है कि यहाँ पर जो टेबल लगा दे। तो आपको अप्रोक्स हाइट जो है वो 5 फीट या फिर 6 फीट की हाइट जो है दे देनी है। ठीक है, उसके ऊपर जो है ये मॉनिटर को रख देना है। तो उसका जो फेस है वो स्टेज में अंदर की साइड रखिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एरो मेल जो है लगा रहा हूं, तो ये जो है ड्रम वाले को जो है थोड़ा उसमें जो है मतलब आवाज मिल जाए, ठीक है, ड्रम वाले को। फिर जो है 2 मॉनिटर बचे वो स्टेज के आगे की ओर लगाने हैं, ठीक है, दोनों साइड एक एक मॉनिटर। तो यहाँ पर आप जो है डेमो देख ही रहे होंगे, एक मॉनिटर इस साइड, एक मॉनिटर इस साइड, तो इसका फेस जो है वो स्टेज के अंदर की साइड देना है। ठीक है, ताकि जो है ये कीबोर्ड वाले को भी आवाज मिल जाए, यहां से ये ढोल वाले को भी आवाज मिल जाए, और यहां से जो है आवाज जो है ड्रम वाले के पास भी पहुंच जाए और सिंगर के पास भी जो है थोड़ा पहुंच जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे मॉनिटर का सेटअप करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को यार लाइक जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये दोनों सीक्रेट कैसे लगे और ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे डीजे शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आप रखना अपना ख्याल। टाटा बाय बाय, थैंक यू।